हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसके कैसे यूज़ होते हैं हम इसे कैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं इसके एग्जांपल्स हमने देखा देखे आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की तो पार्टिसिपल आपको पता है पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की स्ट्रक्चर कैसे होती है व प्लस आई जी फॉर्म होता है पास पार्टिसिपल में व प्लस डी व को डी जोड़ दिया होता है या ई जोड़ दिया होता है या टी जोड़, जोड़ दिया होता है जैसे कि बर्न बॉन्ड बॉन्ड प्ले प्लेड प्लेड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है व प्लस आइन फॉर्म जैसे कि प्ले प्लस आई एन आय जोड़ दिया प्लेइंग बनता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग होता है हेल्पिंग वर्ब हैविंग होता है उसके बाद पास पार्टिसिपल होता है जैसे कि हैविंग प्लेड अब देखते हैं पास पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास पार्टिसिपल कर लाते हैं सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन हो सकती है पास पार्टिसिपल वो आपकी थर्ड फॉर्म क्या होते हैं पास पार्टिसिपल कहलाती है इसके चार यूज है सबसे पहला यूज़ है तीनों परफेक्ट टेंस में तीनों तीनों परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं आई हैव जैसे कि आई हैव आई हैव रिटर्न अ लेटर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है शी हैड रिटर्न अ लेटर ये पास परफेक्ट टेंस में है और फ्यूचर में कैसा सेंटेंस होगा शी विल है बाई इवनिंग तो ये तीनों सेंट, तीनों टेंसेंस में हम क्या करते हैं पास पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं यहाँ पर एक नोट देना चाहती हूँ मैं कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है जैसे कि प्लेड जैसे कि प्लेड डग स्पील डोल द कॉट बॉट फाउंड प्ले प्लेड प्लेड डिग डग ड स्पिल स्पील ड स्पिलड टेल टोल डोलड कैच कॉट कॉट बाय बॉट बॉट फाइंड फाउंड फाउंड इन तीनों ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन हमें कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स एग्जा एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझते हैं आई वाटर द प्लांट्स स्टडी मैंने कल पौधों को पानी दिया और सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है आई हैव वाटर द प्लांट्स मैं पौधों को पानी दे चुकी हूँ क्योंकि मैंने मैंने पौधों को पानी दिया है अब देखते हैं यहाँ पे दोनों सेंटेंस में वाटर वाटर है लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में वाटर है वो फर्ब की सेकंड फॉर्म है और थर, सेकंड सेंटेंस में जो वाटर है ये क्या है पास पार्टिसिपल है क्यों देखो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वाटर आया है ये यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है और सेकंड सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वाटर्ड है इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है इस वाटर्ड पर सब्जेक्ट का या पर्सन का पहले वाले सेंटेंस में जो वाटर्ड है वो फाइनाइट है क्योंकि उस पर सब्जेक्ट का या टेंस का असर होता है लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो वाटर्ड है उस पर सब्जेक्ट का या कोई टेंस का असर नहीं होता इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है और पास पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होती है आई हैव वाटर द प्लांट्स अगर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज किया मैंने यहाँ पे ही लिखा तो ही के बाद हमें यहाँ पे हैज़ लिखना पड़ेगा तो मेन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई लेकिन वाटर चेंज नहीं होगा तो इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसीलिए ये पास पार्टिसिपल है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेकेंड यूज है एडजेक्टिव के रूप में फर्स्ट सेंटेंस है ही फिक्सड ही फिक्स्ड द ब्रोकन रेडियो यहाँ पे ब्रोकन क्या है पास पार्टिसिपल है सेकेंड में देखो वी एट अ लॉट ऑफ रोस्टेड मीट रोस्टेड यहाँ पे क्या है पास पार्टिसिपल है क्योंकि ये मीट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है इसलिए ये पास पार्टिसिपल है आई हैव कलर्ड द पिक्चर कलर्ड भी यहाँ पे क्या है पास पार्टिसिपल हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कलर्ड यहाँ पे क्या है पास पार्टिसिपल है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है फोर्थ सेंटेंस देखो ही सॉ सम फॉलन लीव्स लीव्स के बारे में फॉलोन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है यानी कि एडजेटिव का काम कर रहा है तो ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं पहला यूज क्या है पहला यूज़ तो तीन तीनों टेंस होते हैं तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में हम पाँच पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं दूसरा यूज है एडजेक्टिव के रूप में हम पाँच पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं अब देखते हैं तीसरा, यौज, तीसरा यौज यूज तीसरा यूज हम यूज़ कर पास पार्टिसिपल यूज़ करते हैं पैसिव वाइस में पैसिव वाइस बनाते समय हम पास पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं जैसे कि अ लेटर वॉज रिटर्न बाय मी लेटर वाज रिटर्न बाय मी यहाँ पे रिटर्न क्या है पास पार्टिसिपल है द बुक इज द बुक इज रिटर्न बाय राम शर्मा तो यहाँ पे रिटर्न क्या है पास्ट पार्टिसिपल है पैसे बनाते समय हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं इट कैन बी डन easily. डन क्या है वो अभी थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है इसका फोर्थ यूज़ है ये रेयर यूज है अपोजिटिव एडजेक्टिव के रूप में एडजेक्टिव का आपको पता है ना उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है एडजेटिव तो यहाँ पे ये हम कॉमाल कॉमाल लगा के हम क्या करते हैं इसे नोट करते हैं तो अपोजिटिव एडजेटिव के रूप में हम पास पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं यानी कि अगर दो सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं तो वहाँ पे उन्हें शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं पास पार्टिसिपल का यूज़ करके हम उन्हें दो सेंटेंस को एक सेंटेंस हम कर सकते हैं जैसे कि जैसे कि माई ब्रदर वॉस्के हेड ही टोल मी ऑल अबाउट द इवेंट यहाँ पर दो सेंटेंसेस है अब पाँच पार्टिसिपल का यूज़ करके मैं क्या करूँगी इस दो सेंटेंस को हम एक, एक सेंटेंस में बना दूंगी ऐसे देखते हैं स्केरड माई ब्रदर टोल मी ऑल अबाउट द इवेंट तो स्केर्ड लिखने के बाद मैंने कॉमा लिखा और उसके बाद मैंने क्या लिया क्या लिखा माई ब्रदर टोल मी ऑल अबाउट इवेंट तो मैंने दो सेंटेंस को जोड़ने का काम यहाँ पे एक सेंटेंस में चेंज करने का काम मैंने यहाँ पे किया जिसकी मदद से पास पार्टिसिपल के मदद से उसी तरह दूसरा सेंटेंस है कन्फ्यूज बाय योर स्पीकिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट तो यहाँ पे कन्फ्यूज क्या है पास पार्टिसिपल है और यहाँ पे यहाँ पे ये यह पूरी फ्रेज है फ्रेज के बाद यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे स्पीकिंग लिखा है कॉमा दिया हुआ है तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं अपोजिटिव अपोजिट एडजेक्टिव के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं ये रेयर यूज़ है कभी कभी इसे यूज़ किया जाता है तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पास पार्टिसिपल हम कैसे यूज़ करते हैं इसके क्या चार यूज़ है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिल, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग